इसमें साहब रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, क्या हाल है भाई? बेहतरीन। आप तुम्हारा ख्याल था कि रमजान में तुम चिल करोगे। मैंने तो प्लान किया कि रमजान में चिल नहीं करना, अच्छा रमजान में जो है रमजान रिस्टोरेशंस करनी है। अच्छा और जितनी देर खाली फिरते रहो ना रोजा ज्यादा लगता है, कामों में रहो तो नहीं लगता। पिछले 4 दिन जो पहले 4 रोजे थे वो वीकेंड पे आए थे ना, तो लग पता क्या था कि पूरा दिन कैसे गुजारना है। तो खैर उसमें भी काफ़ी काम वर्कशॉपों में होता रहा है, अभी भी वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। तो तकरीबन मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी गाड़ियाँ बीमार हुई पड़ी हैं, तो उनका काम करा लें। जो नई एस क्लास ली थी जो आपको बताया था, उसके काफ़ी काम है वो ठीक है। करने हैं, और ओवर द वीकेंड काफ़ी करा भी लिए हैं, अभी मज़ीद करने हैं। जो पुरानी एस थी तो उसने कहा कि मेरे भी नखरे उठाओ, नई के क्यों उठा रहे हो। क्या तो बात। उसकी हाइट कंट्रोल का पंप जवाब दे गया है। गोल्डन एस क्लास जो पुरानी है उसका गियर शिफ्टिंग छोड़ा हुआ है। वो बताया था मेरे एक गियर। हमारे दोस्त की गाड़ी हमारे पास स्टेशन के लिए खड़ी है SL, उसका फ्यूल टैंक उतरना था, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा के उतरा है। पुरानी गाड़ी के अंदर वो पता है रस्ट रुस पड़ा था, वो करना है। तो आज काफ़ी काम में करने वाले। ये गाड़ी देखना, ये सरबा सजूद हो गई है, ये गाड़ी है ये जी। ऊपर जाने से इनकारी, ये कहती है मैल फंक्शन दे रही है, नीचे हुई हुई है। सो इसका जो हाइट कंट्रोल का पंप है वो नया डालना है। पहले हमने इसके वो दिलवाए थे ना एयरमेटिक, जी अब जी इसका जो हाइट कंट्रोल का पंप है वो वीक हो गया है, वो टू लॉन्ग चल के चलता है, तो अब ये खर्चा भी आ गया, तो कर लेते हैं आज। चलेंगे सस्पेंशन इसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है, आओ देखते हैं। चलेंगे, देखते हैं कि क्या सीन है इसका। और सो अब ये गाड़ी चलेगी तो इसके अंदर भी हाइट कंट्रोल का ना एरर आ जाएगा, तो पार्किंग सेंसर बंद करने शोर डालते रहते हैं। ये जो है ना अभी हाइट कंट्रोल का एरर दे देगी, मैल फंक्शन लिखा आ जाएगा, और वो फिर कंप्यूटर लगाओ तो वो बताती है कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग, उसकी जो हाइट ऊपर जाने में जो पंप है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि जब पहले हमारा वो शॉक ख़राब था तो वो हवा लीक करता रहता था, तो पंप प्रोड्यूस करता जाता था, पावर एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। तभी मुझे नईम साहब ने बताया था कि ये करेगा तंग बाद में, और वो कर गया। कई दफ़ा होता है चीज़ों में एक फलानी चीज़ भी हो सकती है, हमारे साथ हर चीज़ जो है वो हो जाती है। दूसरा ई क्लास का जो प्रोजेक्ट था जो आप लोगों ने कोरोना के शिकार के नाम से पहले लगाया था, जी, W210 कोविड है का वो, शिकार। 2002 की कोविड का जो शिकार हुई थी, उसका भी फाइनली डिसीजन हो गया है। उसका अपडेट जाके लेते हैं, वो हमारे एक दोस्त है अली, मैकटेक के नाम से उनकी वर्कशॉप है, सुई गैस सोसाइटी के बिल्कुल साथ है, HBFC के गेट के साथ, जी तो बिल्कुल। उनको दी है। उसके अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, तो आज का दिन जो है रमज़ान का रोज़ा जो है ना वो हमने फुल रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगा देना है। क्या बात। एस क्लास की अपडेट अभी आपको वैसे जाके दिखा देते हैं, जो इसके साथ की दूसरी ली है। अक्सर लोगों का सवाल ये था कि दूसरी क्यों ले ली है, सो ये 350 है, वो 500 है, इसलिए ली है, और दोनों में डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं, वो साथ खड़े करके भी दिखा भी देते हैं। ओवर द वीकेंड मैंने उसकी खिदमत ये की है कि मुझे उसका रंग बड़ा अजीब सा लगता हुआ है, मैंने उसको 2 को दफ़ा वो आ पॉलिश गई भी किया, है। आ गया जी मैल फंक्शन। ये ये ले, देखें जी, मेल फंक्शन ये आ मैल गया। फंक्शन आ गया, हाइट कंट्रोल का ठीक है जी। अभी तो ये बिल्कुल आया है, बिल्कुल। कल मैं रात को तरावी पढ़ने गया था तो बच्चे बुच्चे सारे साथ थे, तो उसमें लिखा गया था स्टॉप द कार टू लो, वो बहुत ही नीचे हो गई थी गाड़ी, बिल्कुल ही कहते हैं ना बिल्कुल ज़मीन साथ ही लग गई ज़मीन है। बोस हो गई थी, तो उस वजह से अब इसका वो भी कराते हैं, चला लो इसी कहीं को। आपने भी डेड ड्रॉप तो नहीं कराने का शौक नहीं पैदा वो कर डेड ड्रॉप खुद ही ऑटोमेटिक हो गई थी, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, वो डेड हो जाता है जब ड्रॉप होते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर वो फिर वो जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसा वो बच्चों ने की नहीं थी कैम्बरिंग और डेड ड्रॉप की बिल्कुल होती, वो ऐसी है। गाड़ी भी वैसे वैसे कर रही थी। पिछले सही। दिनों हमर ने भी एक दफ़ा एक झटका दिया इस तरह का, वो ना उसकी बैटरी वीक हुई भी थी, तो मैं घर गया तो वहीं खड़ा था, मैं कहो गए उसको चार्ज किया, स्टार्ट किया, चलाया, तो वापस उसकी हाइट अपनी जगह पे आ गई। तो मर्सिडीज़ों के, 4 मर्सिडीज़ों के काम हो गए, एक S क्लास का, एक S500 का, एक गोल्डन जो है टैंक का वो एक चेंज नहीं करी ई गियर, क्लास। एक ई क्लास का 4 हो गया, और SL जो है पुरानी वाली उसका फ्यूल टैंक जो है ना उसके अंदर जंग आ गया था, उसको खोलने के लिए भी तकरीबन 1-2 हफ्ते की मेहनत लगी है। ये सारी जो वीकेंड गुजरा है जिसमें आप गायब रहे हैं सारे कैमरे के बगैर, तो मैं अकेला यही कर सकता था कि मैं काम करा लेता या फिर बस थोड़ी बहुत तस्वीरें मैं दे दूँगा अगर आपने साथ लगानी हो ठीक तो। है। उसका टैंक बड़ी मुश्किल से खोला है, थैंक्स टू द यूट्यूब। यूट्यूब से पहले ये पता लगा कि उसकी छत के सारे पॉइंट कैसे खोलने हैं ताकि आप उसके टैंक तक पहुँचें, टैंक तक गए फिर टैंक को बाहर निकालने के अंदर तकरीबन तकरीबन मिनिमम 4 दिन का जो है ना टाइम लगा। और मैं शुक्रिया करूँगा हमारे दोस्त मलिक रियाज साहब जो है, उन्होंने एक लड़का दिया था जो कि घर पर आके उसका वो करता रहा, बिकॉज वो गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, और इस तरह स्टार्ट करेंगे तो वही सारा जो उसके अंदर वो है रस्ट हो जाएगा गाड़ी के फ्यूल पंप के अंदर और वो ख़राब होगा। तो अब वो मकसद ये है कि उस टैंकी को भी सही कराना है। नई टैंकी तो मैं कल देख रहा था तकरीबन 2000 के 2500 डॉलर की है, अच्छा तो 2500 डॉलर की टैंकी तो लेने के अभी ना हालात हैं ना कोई जस्टिफाई होता है। हमारे एक दोस्त हैं जाहिद साहब, वो यहाँ पे ना लोकल वेंडर हैं,
होंडा के सुजुकी के ना फ्यूल टैंक्स वगैरह बनाते हैं, सही, उनसे रिक्वेस्ट किया जायद भाई से, तो उन्होंने कहा कि जी आप मुझे दे दें, मैं आपको उसको रिफर्बिश कर दूंगा, बाहर से पेंट शेंट आपने कराना है, इंटीरियर पे उसकी जितना कुछ लगेगा वो मैं सारा लगा दूंगा। सो एक जो छोटे छोटे इसके भी काम होने वाले हैं, देख रहे हैं जालियाँ, ये सारी बीमारियाँ नोन है, इसके अंदर भी है, उस वाली में भी है। आए अब आपको दिखाते हैं वीकेंड में उस पर क्या क्या और क्या क्या करना है। एक तो एंड पे पार्क पीस के जो डिटेलिंग वाली प्रोडक्ट है, देखे रेमो के ऊपर क्या क्यूरेशन आई हुई है, टाइम के साथ मिट्टी आई हुई सारी, ये सही करना है। गाड़ी पूरी मैंने पॉलिश की है दो दफ़ा, तो गाड़ी में शाइन तो आ गई है, वो देखें ज़रा हालत, देखें क्या किया हुआ। एसएल प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं आज, ये है जी एसएल प्रोजेक्ट,